सलीम भाई, सबसे पहला और फर्स्ट जोड़ी ये कौन सा लेकर आए हैं आप? यही कल्लमा जोड़ा लेकर आया। घर के पट्टे इस टाइम में दोस्तों 6-6, 7-7 घंटे यूं ही काट देते हैं कलीम भाई के पास। और देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये अभी 8 घंटे उड़ चुका है। अभी आज से 10 दिन हुए होंगे, 8-10 दिन। हाँ हाँ। जब हमने बंद करे इसके पर काट। अच्छा, पर कैच कर दिया आपने माशाल्लाह। 8 घंटे उड़ चुका है। 8 घंटे उड़ चुका है, 3 नर और नर। अच्छा, जोड़ा देख कर लेते हैं आप लोग, जैसे कि लोग सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसा जोड़ा मिल जाए, कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? 8 घंटे आ रहे डले हैं पट्टे हमारे पास। अच्छा, इनके खूब 7-7, 8-8 घंटे पट्टे उड़े। अच्छा, 7-7, 8-8 घंटे अभी उड़ के आ रहे हैं। अभी उड़ के आ रहे। अच्छा, बेगा खेल पानी के 7-7, 8-8 घंटे उड़े हुए हैं। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, ये कलीम भाई ये कौन सी नस्ल है? ये आज से 7 साल पहले हमारे पास 7-7, 8-8 घंटे उड़े हुए हैं। अच्छा, 7 साल पहले। 7 साल पहले। अच्छा, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कैरिस कादरी विजन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं हूं उरई के अंदर, क्योंकि मैंने आप लोगों को कई वीडियो में बता चुका हूं कि यूपी जिला जालौन, उरई जिला जालौन के अंदर आता है और यहां का नंबर है UP92 दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इलाहाबादी कलदुमे कबूतरों का शौक कराऊंगा और इलाहाबादी और नस्लें हैं जो कि कलीम भाई के पास में दोस्तों, उन कबूतरों का जो है शौक कराऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों मिलते हैं अपने कलीम भाई से। अस्सलाम वालेकुम कलीम भाई। वालेकुम सलाम। और कैसे हैं आप? बढ़िया है। और अपने पास में कौन कौन से कबूतर हैं इस टाइम में? अपने पास कलमे हैं, कलचरे हैं और पुलचरे भी हैं। पुलचरे मतलब ऑल टोटल इलाहाबाद की नस्लें हैं? हाँ, इलाहाबाद के। अच्छा अच्छा अच्छा, कलीम भाई आप यहाँ पे कितनी बाजियाँ वगैरह इससे पहले उड़ा चुके हैं कि खाली शौक करते हैं? इससे पहले हमने 3 बाजी उड़ाई थी। ठीक है, तो उसमें मैच रद्द हो गया था। ठीक है, फिर अभी एक बाजी उड़ाई है गर्मी में, सेकंड आया है गर्मियों में, अक्टूबर में। अच्छा, टूर्नामेंट था? हाँ, वो टूर्नामेंट में। उससे पहले बाजी उड़ाई थी जी, तो वो गर्मियों में उड़ी थी। अच्छा, और ये अभी उड़ी थी अक्टूबर में, इसमें आप सेकंड आए थे। कलीम भाई, सबसे पहला और फर्स्ट जोड़ी कौन सा लेकर आए हैं आप? यही कल्लमा जोड़ा लेके आया। कल्लमा जोड़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, कलीम भाई ये वाले कबूतर आप उड़ा चुके हैं? इनके पट्टे उड़ाए। इनके पट्टे उड़ाए हुए, ये कबूतर आपने नहीं उड़ाए? नहीं। अच्छा अच्छा, मतलब ये आप कहीं से लेकर आए थे या उस्ताद के हैं? ये नर अलग खरीदा था, मादा अलग ली थी, जोड़ा बनाया है। अच्छा, आपने खुद ही जोड़ा बनाया था? अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह। तो सबसे पहले मुझे इसकी नर की आंखों का शौक कराइए। तो दोस्तों ये चेक कर सकते हैं माशाल्लाह, ये है नर की आंखें और ये इलाहाबादी कलदुमा मोमिया चोंच में दोस्तों इसको बोलते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कैसा ये कबूतर है माशाल्लाह। ये देखें माशाल्लाह, बहुत बड़े खोपड़ी का कबूतर है। और ये चेक करें दोस्तों। अच्छा कलीम भाई, इसकी पीली पलकें हैं तो ये कौन सी नस्ल हुई? ये इलाहाबादी बोलते हैं ना। अच्छा, पीली पलकों वालों को इलाहाबादी ही बोलते हैं। अच्छा अच्छा। और दोस्तों आप लोग देख पंजे दिखा, जरूर दिखाएं कलीम भाई। और माशाल्लाह ये देखें दोस्तों, जामुनी पंजे। और अच्छा कलीम भाई, जैसे कि पंजे इसके बहुत ज्यादा डार्क हैं, तो इसका मतलब क्या है? ये उड़ा हुआ ज्यादा है कि इसकी नस्लों में? ये इसकी नस्लों में है। अच्छा, इसकी नस्लों में है। उड़ान से कोई नहीं होता। अच्छा, उड़ान से कुछ नहीं होता है। हाँ। इनकी नस्लें ही होती है। इसकी नस्लें ही ऐसी डार्क पंजों के होते हैं, फीके पंजों के होते हैं। जी जी जी। उड़ने के बाद कोई फर्क नहीं आता ज्यादा। अच्छा, मतलब जैसे ज्यादा उड़ा हुआ कबूतर जो होता है उसके में तो हल्का फुल्का चेंज आता होगा? हल्का, बिल्कुल हल्का। जैसे अब नया पट्टा है। हाँ। अब उड़ रहा है, उम्र होगी तो हो गया। हाँ हाँ। बस 10 के साथ में जितनी आ जाएंगे बस उतने ही रहेंगे। अच्छा। उसके बाद कितने भी वो उड़ जाए, खूब 2-3-4 शाम तक आ जाए, तब भी वो पंजे नहीं बदलेंगे। अच्छा अच्छा, चलिए माशाल्लाह कराते हैं दोस्तों मादी का शौक। और ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये मादिन है और ये मादी की आंख है दोस्तों। और इसके बारे में दोस्तों बोलेंगे हमारे कलीम भाई। कलीम भाई, ये इस तरीके के कबूतरों क्या बोलते हैं अपन? ज्यादा तेज है कि स्लो है, क्या बोलेंगे इसको? तेज है कबूतरी। अच्छा, तेज कबूतरी है। पैनी है। पैनी कबूतरी है। अच्छा, मतलब जितनी फुर्तीली कबूतरी है। इसके पट्टे नहीं कटेंगे। अच्छा, इससे आप चाहे जौन सा नट डाल लो। अच्छा अच्छा, चाहे जैसा भी नट डाल देना, आप पट्टे नहीं कटेंगे। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? जैसे कोई अगर, जैसे हमारा कोई भाई है वो मार्केट गया या किसी घर कबूतर लेने गया, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये कबूतर ज्यादा बेस्ट है? तो इसकी कुछ पहचान बताएं कलीम भाई आप। कुछ नहीं, क्या देखना चाहिए उसको? सियान तो देखो अलग ही पता चल जाती है, पर कप कप आएगी। ठीक है ठीक है ठीक है। और एक आंख में भी होता है। आंख में क्या होता है कलीम भाई? आंख में जो दीदा होता है, जो मही घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। मतलब जूम आउट करना चाहिए इसको? जूम आउट नहीं करना चाहिए। जूम आउट नहीं करना चाहिए, एक सी रहना चाहिए इसको। अच्छा हाँ, मतलब जैसा बड़ा दिख रहा है तिल तो बड़ा ही रहना चाहिए। अच्छा, महीने भाई, मतलब जो कोई होता है कि कबूतर छोटी छोटा बड़ा करता है, छोटी वो कबूतर नहीं। अच्छा अच्छा, जो कबूतर कलीम भाई छोटा बड़ा करता है उसमें क्या मायने? मतलब ज्यादा बेस्ट होता है कि फिर ज्यादा बेस्ट नहीं होता है?
जो बेस्ट ज्यादा होगा। अच्छा। जो आग घटाएगा बढ़ाएगा नहीं, सब एक सी चीज ही रखेगा। अच्छा, वो ज्यादा बेस्ट होता है, वो बेस्ट रहे आपके हिसाब से। अच्छा अच्छा, तो दोस्तों अब कराते हैं आप लोगों को फुल जोड़े का शौक। ये देखें दोस्तों, ये फुल पेयर है माशाल्लाह से, आप लोग देख सकते हैं। और ये दोस्तों नर है वो, जो अभी आप लोगों को दिखा रहे थे। और ये दोस्तों उसकी मादिन है, ये चेक करें माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। अब दोस्तों आप लोगों को जो है कराते हैं, ये दूसरे जोड़े साल पहले। हाँ, हमारे पास सात सात आठ आठ घंटे उड़े हुए हैं। अच्छा, सात साल पहले। अच्छा अच्छा, और कोई खेल पानी की नहीं। अच्छा, कोई खेल पानी नहीं। हाँ, बिगा खेल पानी के साथ साथ आठ आठ घंटे उड़े हुए हैं। अरे वाह माशाल्लाह। अच्छा, ये नस्ल के कौन से हैं? ये भी हम इलाहाबाद से लेके आए थे, हम ले आए थे। हाँ। छह गली का पट्टा ले आए थे हम इसको। माशाल्लाह, छह गली का पट्टा। हाँ। तो दो भाई लाए थे एक के घर से। जी 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 जी। तो जब हमने उड़ाए थे तो इनको जब ही उड़े, रिजल्ट बहुत तगड़ा मिला आपको। इनके पट्टे कटते नहीं है अभी। अच्छा अच्छा, अभी भी पट्टे हमारे खूब सात सात आठ आठ घंटे आ रहे, डले हैं पट्टे हमारे पास। अच्छा, इनके खूब सात सात आठ आठ घंटे पट्टे उड़ते। अच्छा अच्छा, सात सात आठ आठ घंटे अभी उड़ के आ रहे हैं। अभी उड़ के आ रहे हैं। अच्छा, अभी इस समय आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन। ये तो अप्रैल चल रहा है, इसके बाद मई लगने वाला है। इस समय आ रहे हैं, अभी हमने तो बंद कर दिया क्योंकि अभी दो चार पाए ले गई हमें। अच्छा, हमने बंद कर दिया उड़ाने। अच्छा अच्छा, इससे पहले अभी आ रहे थे। अच्छा अच्छा, तो मुझे सबसे पहले नर की आंखों का शौक कराया। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये एक कलीम भाई का कबूतर, और आप लोग मैं आंख करीब से दिखा देता हूँ। ये चेक करें माशाल्लाह, क्या जर्रात है इसकी। और ये आज के सात साल पहले सात सात आठ आठ घंटे उड़ चुका है, और अभी ये दोस्तों कबूतर आ चुका है ब्रीडिंग में। तो दोस्तों देख सकते हैं माशाल्लाह, क्या प्यारा जो है इसका चेहरा मोरा है इस कबूतर का। और आप लोग देखें। अच्छा कलीम भाई, पर जरूर, परों का जरूर शौक कराएं। और ये इलाहाबाद के परेड से उठाया था कबूतर। ये कबूतर इलाहाबाद की परेड से लिया माशाल्लाह, आप लोग देख सकते हैं। बड़े प्यारे कबूतर जो कि परों के। और ये देखें दोस्तों पंजे माशाल्लाह, जामुनी पंजों के, और बहुत ही खूबसूरत दोस्तों कबूतर है ये। और इसकी मादी की भी आंखों का शौक कराएंगे आप लोगों को। और ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें मादिन की आंख, बहुत बेहतरीन जीरेदार दोस्तों मादिन है ये। और कलीम भाई, ये अपने पास में कितने घंटे उड़ चुकी है मादिन? ये नहीं उड़ी, हम लेके आए इसको। अच्छा, ये उड़ी नहीं है अपने पास? कितने टाइम पहले आप लेकर आए हो इसको? ये अभी हम लेके आए, पाँच छह महीने हुए। अच्छा, पाँच छह महीने हुए, ज्यादा ही हो गए। इसके पट्टों का रिस्पॉन्स क्या रहा है? बहुत अच्छे उड़ रहे हैं, बता दो, तीन तीन कली के पट्टे खूब अच्छे उड़ रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। तो आप लोग अभी इसका एक पट्टा है जो जी, इससे दूसरी पहले मादी लगी थी। जी जी, जैसी ये नर से। जी जी, तो उसका पट्टा एक हम आपको दिखाएं। जी बिल्कुल दिखाइए, आप शौक कराइए, जरा छोड़ दीजिए। और आप लोग इसका एक पट्टा हम आपको दिखाएं। जी कलीम भाई दोस्तों गए हैं अपने लॉफ्ट के अंदर, और वो रहे कलीम भाई, अब बाहर निकलेंगे दोस्तों और आप लोगों को जो है इस पट्टे का शौक कराएंगे। ये पट्टा वो है? ये पट्टा वो है। अच्छा, ये अभी आठ घंटे उड़ चुका है, अभी आज से दस दिन हुए होंगे, आठ दस दिन। हाँ, जब हमने बंद करे इसके पर काट दिए। अच्छा, पर कैच कर दिया आपने माशाल्लाह, आठ घंटे उड़ चुका है। आठ घंटे उड़ चुका है, तीन अच्छा। फलक मार चुके, आठ आठ घंटे दे चुका है। अरे वाह माशाल्लाह, इसकी जरा मुझे आंखों का जरा शौक कराए सर। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये गर्मियों में दोस्तों आठ घंटे उड़ चुका है पट्टा, और मादी पट्टी निकली हुई है। कितने कली की हो गई कलीम भाई ये अभी? जे हाँ, सात कली की है। सात कली की है। अच्छा, ये आपने जो पर कैच किए हैं? तीन कैच कर लिए। अच्छा, आपको डर लग रहा था कि मतलब जाया ना हो जाए? अभी तो उड़ान उड़ान उड़ाने नहीं है, तो हमने कैच करके डाल दिया। अच्छा अच्छा, हम तो ऐसे। ये कौन सा जोड़ा है कलीम भाई? ये इलाहाबादी जोड़ा है। इलाहाबादी जोड़ा है। अच्छा अच्छा, ये वो कबूतर है, इनके पट्टे तीन तीन कली के, छह छह सात सात घंटे उड़ रहे हैं। तीन तीन कली के, छह छह सात सात घंटे, सात सात घंटे। वाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप जो है मुझे इनकी आंखों का जरा शौक कराएं। ये चेक करें दोस्तों माशाल्लाह, ये रही नर की आंखों की क्वालिटी। और इस नर के पट्टे इस टाइम में दोस्तों छः छः सात सात घंटे यूं ही काट देते हैं कलीम भाई के पास। और देखें दोस्तों माशाल्लाह, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह, इस कबूतर की ये क्वालिटी है, बहुत ही बेहतरीन नर। टेढ़ा है कबूतर? अच्छा, टेढ़ा कबूतर है ये माशाल्लाह, और तब भी छः छः सात सात घंटे जो है पट्टों को उड़ा रहा है। ब्रीडिंग में कोई कमी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन। इसके पंजों को जरूर शौक कराएं कलीम भाई आप। देखिए ये देखें दोस्तों पंजे माशाल्लाह, और पर जरूर दिखाएं एक बार, परों की देखें दोस्तों माशाल्लाह, परों की क्वालिटी देखें आप लोग, बगल देखें कितनी बेहतरीन है। और माशाल्लाह ये आप लोग जरूर देखा करें कबूतर लेते हुए, बिल्कुल घनी जंगल की जैसी बगल होने चाहिए कबूतर की माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन उड़ते हैं इनके पट्टे। और अब कराते हैं दोस्तों मादिन की आंखों का शौक। और ये देखें दोस्तों, ये कलदुमी मादिन है माशाल्लाह, और ये देखें इसकी क्लियर नहीं हो पा रही आंख। हाँ ये देखें माशाल्लाह, ये मादिन है,
और ये चेक करें। अच्छा ये कलीम भाई आप कितनी उड़ा चुके हैं इस महादिन को? नहीं ये जोड़ा लेके आए थे। अच्छा जोड़ा लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आए थे? इलाहाबाद से, मादी अलग नर अलग। अच्छा मादी अलग आपने ली थी, नर अलग और नर। अच्छा जोड़ा देख क्या देख कर लेते हैं आप लोग, जैसे कि लोग सोचते हैं कि यार मुझे भी ऐसा जोड़ा मिल जाए, कुछ बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को आप? कुछ नहीं, बस पर देख लेंगे, बदन देख लेंगे, बस यही देख लेते हैं। मतलब कोई भी कबूतर ले तो कबूतर को ये देख ले कि कबूतर लगना चाहिए पहलवान की तरह। कबूतर कबूतर पहलवान नहीं देखना चाहिए। हाँ। कबूतर कबूतर बाज होएगा, कबूतर चलता हुआ बता देगा कि कबूतर अच्छा है कि खराब। नहीं नहीं, जैसे कि जो हमारे अनाड़ी लोग हैं वीडियो को देखते हैं, फुल फॉलो करते हैं, अब उनको जानकारी चाहिए तो वो क्या चीज देखकर, क्योंकि देखो हम जैसे तो वो कबूतर को देख नहीं सकते। कबूतर देख लेना चाहिए, पकड़ के मुलायम होना चाहिए कबूतर, सॉफ्ट होएगा अच्छा होगा, और खड़ान अच्छी होना चाहिए कबूतर की। खड़ान मतलब सीना तान के चलना चाहिए, बैठा हुआ पहलवान का जैसा तो होना चाहिए कबूतर के अंदर। पहलवान का जैसा सीना तना होता है इस तरीके से सीना तना होना चाहिए कबूतर। वही चीज होती है, वही चीज होती है। माशाल्लाह आप लोग देख लें और ये चेक करें, माशाल्लाह ये रहे सारे के सारे कलीम भाई के दोस्तों कबूतर। नाइट का टाइम हो चुका है इसलिए आप लोगों को जो है ज्यादा कबूतर हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, और माशाल्लाह ये चेक करें दोस्तों। और कबूतर तो बहुत थे और बहुत सारे थे और बहुत बेहतरीन थे दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद जय भारत दोस्तों।